इसरो 2019 का वो पल नहीं भूला है जब उसका चंद्रयान 2 चांद की सतह से छूते छूते रह गया था। चंद्रयान 2 का वही अधूरा काम पूरा करने के लिए इसरो ने 2020 में चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी भी तेज कर दी है। इसरो का चांद पर 12 साल में ये तीसरा मिशन होगा। चंद्रयान 3 का टारगेट भी चांद का वही दक्षिणी ध्रुव है जहां चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम उतरते समय रफ्तार कम ना कर पाने की वजह से सतह से टकरा गया था। ...2019 की ये तस्वीरें आप भूले तो नहीं होंगे, भूलिएगा भी मत, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक भी इसे भूलने को तैयार नहीं है। वो नहीं भूले कि चंद्रयान 2 का मिशन अब तक अधूरा है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों का संकल्प है कि 2019 में चंद्रयान 2 का जो मिशन पूरा नहीं हो पाया उसे 2020 में पूरा किए बिना इसरो चैन नहीं लेगा। इसीलिए इसरो ने न तो नाम बदला है और ना ही लक्ष्य। 2020 में इसरो नए संकल्प के साथ चांद पर अपना चंद्रयान भेजने के लिए तैयार है। इसरो के इस मिशन का नाम है चंद्रयान 3, जो वहीं से अपना काम शुरू करेगा जहां चंद्रयान 2 खत्म हुआ था। चंद्रयान 3 इज गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एंड इट इज दैट द प्रोजेक्ट इज नाउ फॉर्म्ड। द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन चंद्रयान 3 वेरी स्मूथली and Chandrayaan 3 configuration will be almost similar to Chandrayaan 2. इसरो के लिए चंद्रयान 2 मामूली मिशन नहीं था, ये मिशन सिर्फ चंद्रमा की सतह को छूने का मिशन नहीं था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा, इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। चांद पर जाने का सपना तो इसरो का 2008 में भी पूरा हो चुका था, वो सपना जिसे 2003 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान नाम दिया। चंद्रयान 1 का सुझाव इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 1999 में दिया था, जिस पर इसरो ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की और 15 अगस्त 2003 को तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान 1 का ऐलान किया। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के रॉकेट PSLV XLC-11 से चंद्रयान को धरती से रवाना किया गया। 28 अगस्त 2009 तक चंद्रयान 1 चांद पर अपना काम पूरी सफलता से करता रहा। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर मौजूद खनिज और रसायनों की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेजी। वो चांद के गड्ढों में पानी और बर्फ का पता लगाता रहा। चंद्रयान 1 चांद की चट्टानों की तस्वीरें भी भेजता रहा। चंद्रयान 1 की कामयाबी से ही इसरो का हौसला बढ़ा। चंद्रयान 1 से संपर्क टूटने के एक महीने के अंदर ही केंद्र सरकार ने इसरो को मिशन चंद्रयान 2 के लिए हरी झंडी दिखा दी। चंद्रयान 2 इसरो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे अनूठा मिशन था। इसरो के मिशन चंद्रयान 2 को केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 2008 को मंजूरी दी थी। चंद्रयान 2 पहला मिशन था जिसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर खोजबीन करनी थी। इसके लिए इसरो ने चांद पर लैंडर उतारने की तैयारी की थी। इसरो के लैंडर के साथ रोवर भी था जिसे चांद की सतह पर खुदाई करनी थी और तस्वीरें भी भेजनी थी। तकनीकी दिक्कतों की वजह से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की डेट बार बार बदलनी पड़ी। 6 बार रद्द होने के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान अपने मिशन पर सफलतापूर्वक रवाना हो गया। चंद्रयान 2 के साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान आसानी से पृथ्वी की कक्षा पार करके चांद के बेहद पास पहुंच गए। 6 सितंबर 2019 को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान के लैंडर विक्रम के उतरने का इंतजार कर रही थी। चांद की सतह और लैंडर विक्रम के बीच की दूरी 3 किलोमीटर से भी कम थी, लेकिन चांद के इतने करीब पहुंचकर भी लैंडर विक्रम से इसरो के कंट्रोल रूम का संपर्क टूट गया और इसी के साथ टूट गए इसरो के वैज्ञानिकों के दिल। लेकिन जल्दी ही इसरो के वैज्ञानिक नए जोश के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू किया जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बेहिचक मंजूरी दे दी। इसरो की टीम अब नए सिरे से चंद्रयान 3 के साथ फिर से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर रवाना करने के काम में जुट गई। चंद्रयान 3 दैट प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज मिस्टर डॉक्टर वीरमुत्तुवेल इज द डायरेक्टर एंड ही वाज द एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन द चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट।
इसरो का कहना है कि चूंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपना काम बखूबी कर रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 का काम पहले से आसान हो जाए। एंड वी हैव मेड अ गुड प्रोग्रेस इन द चंद्रयान 2 एंड इवन दो वी कुड नॉट लैंड सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड द चंद्रयान the orbiter is still functioning and is going to function for next seven years. खास बात ये भी है कि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 पर खर्च भी कम आएगा। चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि चंद्रयान 3 पर करीब 615 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए लैंडर और रोवर पर खर्च हो गए, जबकि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में सैटेलाइट और दूसरी तैयारियों में करीब 365 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। इसरो ने ठान लिया है कि 2020 में चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने की तैयारी पूरी हो जाए, ताकि 2021 का स्वागत चांद की सतह पर तिरंगा लहरा कर किया जा सके।